लेके डिस्कशन चालू किए थे, तो लास्ट डे हम क्या किए, बहुत जल्दी वो मैटर्स को, स्टेप्स को हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। पहले हम क्या किए थे, पहले हम क्या किए थे, ऑटोकैड में हम फ्लोर प्लान का जो टोटल लेआउट है वो कंप्लीट किए थे। वो लेआउट को 1:50 स्केल में, लेआउट में A3 पेज क्रिएट करके वहां पे स्केल सेट कर लिए थे। उसके बाद क्या किया, यही ड्राइंग को 3 अलग-अलग पार्ट में सेव किए हैं सेम मार्जिन के ऊपर, ताकि ये 3 अलग-अलग पार्ट हम फोटोशॉप में जाके जोड़ पाए। तो ये 3 अलग-अलग पार्ट में हम ये ड्राइंग को सेव किए थे, कुछ लेयर्स ऑफ करके लेके, फिर कुछ लेयर्स ऑन करके, बाकी लेयर ऑफ करके, ऐसे 3 पार्ट था। एक पार्ट में था फ्लोर प्लान, दूसरा पार्ट में था फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, तीसरा पार्ट में था टेक्स्ट एंड डायमेंशन। कैसे दिखता था दिखा देते हैं फिर से, सॉरी ये नहीं, ये फर्नीचर्स वाला पोर्शन है, फर्नीचर्स ये एक सेव किए थे। और क्या किए थे, प्लान ये था, इसमें सिर्फ प्लान था, प्लान अलोंग विथ वॉल हैच डोर एंड विंडो पोजीशन, ये सब प्लान था। और टेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट, नॉट लाइन, ये सब जो है था। तो 3 अलग-अलग पीडीएफ हम सेव किए थे सेम मार्जिन के ऊपर। मार्जिन क्यों हम रखे हैं, क्योंकि मार्जिन तीनों सेविंग्स में कॉमन है। हम ये तीनों फाइल लेके फोटोशॉप में 3 लेयर बनाए हैं एक ही फाइल के अंदर, जहां पे 3 लेयर में ये 3 अलग-अलग ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट है। तो फोटोशॉप में क्या किए थे, फोटोशॉप में एक बार चले जाते हैं, देख लेते हैं। फोटोशॉप में देखिए, ऑटोकैड में जैसे सभी लेयर ऑन करने के बाद जैसा व्यू आता था वैसा व्यू है। एकदम बॉटम राइट साइड पे देखिए, फोटोशॉप में ये जो है ये लेयर लेयर्स है, लेयर लिस्ट है। फोटोशॉप का कुछ बेसिक टूल्स आप लोगों को बताना पड़ेगा, जैसे कि मूव बोल के एक टूल है, ये लेफ्ट में आता है मूव टूल। ये है रेक्टेंगुलर मार्क टूल, ये है लैसो टूल, ये है क्रॉप टूल। ये सब टूल जो है थोड़ा थोड़ा काम में आएगा इधर। और राइट साइड में यहाँ दिख रहा है लेयर्स। लेयर 1, हम जो प्लान ड्रॉ किए थे ये प्लान है लेयर 1 पे, हम प्लान करके लिख देते हैं, बाद में आइडेंटिफिकेशन में इजी रहेगा। सिंगल क्लिक करके ये लेयर का नाम एडिट करके प्लान लिखा है। ये प्लान एकदम लेयर जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि हम बचपन में कुछ बुक्स जो है देखे थे, स्टोरी बुक्स, जहां पे पन्ने जो है ना एक साथ उलट दिया जाता था एक साइड से पकड़ के, तो एक मूवेबल पिक्चर जैसा हो जाता था दिखने में, कार्टून्स वगैरह ये सब रहता था। तो वो जो कॉन्सेप्ट है लेयर, लेयर कॉन्सेप्ट है। ऑटोकैड में जैसे ऑटोकैड में भी लेयर है, डिफरेंट लाइन टाइप का, लाइन वेट का अलग अलग ग्रुपिंग करके लेयर है, इधर भी लेयर है। तो ये फोटोशॉप का लेयर है, जिसमें अलग अलग लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि सिमिलर टू ऑटोकैड में भी रहता है। यहाँ पे भी लेयर का आगे पीछे का बात है। ऑटोकैड में जैसे
ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, बैक ऐसे ऑब्जेक्ट को ले सामने पीछे किया जाता है। फोटोशॉप में भी ऐसे लेयर जो लिस्ट है उसमें से बॉटम वाला लेयर जो है वो सबसे नीचे वाला लेयर है, ये पकड़ा जाता है। तो हम बॉटम में एक व्हाइट कैनवास रखे हैं क्योंकि बाकी सब लेयर्स जो हम पीडीएफ से फोटोशॉप में लाए हैं वो लेयर में आइदर कोई कलर है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब वहां पे व्हाइट कुछ नहीं है, इधर ब्लैक, इधर हम ब्लैक लेके काम कर रहे हैं जो भी लाइंस है, इसलिए इधर ब्लैक में कुछ टेक्स्ट लेयर में टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर डायमेंशन है, प्लान में प्लान का ड्राइंग है अलोंग विद वॉल हैच, ऐसे जो है ये है, और बाकी पोर्शन ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट शीट पे आप कभी कभी कुछ ड्रॉ भी किए होंगे, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है। हाँ, ट्रेसिंग पेपर आपको अच्छे से समझ में आएगा मैटर क्या है। ट्रेसिंग पेपर में ड्रॉ करने से क्या कैसा लगता है वो दिखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर नॉर्मली देखे तो, उसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर दिया जाए व्हाइट बेटर, तो व्हाइट पेपर के ऊपर अगर ट्रेसिंग पेपर रखे तो उसका ड्रॉइंग जो है अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो पीडीएफ से जो हम लेयर डिराइव किए हैं, ये लेयर जो है वो ट्रेसिंग पेपर के तरह है। तो लेयर टू को हम बैकग्राउंड नाम देते हैं, हाँ लेयर टू को हम बैकग्राउंड नाम दे रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में जो है ये बैक शीट जो है हम रखे हैं, बैक शीट का लेयर, और उसके सामने और तीन लेयर्स है, हम बाकी तीन लेयर्स को ऑफ कर देते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड शीट है अभी इधर व्हाइट का, एक लेयर क्रिएट करके इधर रखे हैं, वो एकदम बॉटम वाला लेयर है, वो भी ऑफ कर दे तो ऐसे चेकर बॉक्स जैसा दिखेगा व्हाइट और ग्रे का, इसका मतलब है शीट पूरा खाली है और ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड को ऑन कर रहे हैं, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। उसके ऊपर हमारा रहेगा प्लान का लेयर, ये प्लान का लेयर जो हम पीडीएफ में सेव किए थे, इधर ड्रैग करके फोटोशॉप में लास्ट डे लाए थे। ये प्लान का लेयर हम लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके ठीक बैकग्राउंड के ऊपर रख रहे हैं। ये लेयर लिस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेयर के ऊपर कौन सा लेयर रहेगा, बैकग्राउंड के ऊपर प्लान लेयर रहेगा, उसके ऊपर रहेगा फर्नीचर्स लेयर। फर्नीचर लेयर को भी ऑन करते हैं, फर्नीचर लेयर देखिए इधर दिख रहा है, फर्नीचर लेयर ऑन कर दिए। जस्ट ए सेकेंड, चैट शो नहीं हो रहा है। रोनो बाबू बोलून, बोलछी एटा स्क्रीन का परिष्कार शेयर होच्छ तो आमी बुझते पारछी, देखा जाच्छे एकदम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हम जो इधर देख रहे थे प्लान, प्लान लेयर को बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रख रहे हैं, अगर ना रखे तो क्या होगा मैं लास्ट में दिखाता हूँ। और प्लान के ऊपर रहेगा फर्नीचर लेयर, ये फर्नीचर लेयर को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके माउस से प्लान के ऊपर लेके आया, और उसके ऊपर रहेगा टेक्स्ट लेयर, एकदम टॉप लेयर रहेगा टेक्स्ट लेयर, इसको भी ऑन रखते हैं। अभी देखिए ऐसा हो रहा है, बैकग्राउंड लेयर को हम अगर टॉप में लेके चले जाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए पूरा व्हाइट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बाकी सब लेयर जो है इसके नीचे चला गया, बैकग्राउंड लेयर एक सॉलिड फिल कलर का लेयर है और बाकी सब लेयर जो है आइदर ड्राइंग है और ट्रांसपेरेंट है एज ए ट्रेसिंग पेपर। बैकग्राउंड को हम नीचे ड्रैग करके लेके चले जाते हैं। ये ओरिएंटेशन में आप लेयर्स को पहले सजा लीजिए, उसके बाद हम यहाँ ऊपर नीचे दो तरफ का फ्लैट्स है, तो हम क्या करेंगे, हम ये दो फ्लैट को अलग अलग डिजाइन करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, हाँ
हम ये जो दो फ्लैट्स है, हम आपको सैंपल दिखाए थे कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन हो सकता है, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। तीन सैंपल दिखाए थे, टाइप वन, इसमें क्या है पूरा रेसिडेंशियल एरिया को, ये भी रेसिडेंशियल यूनिट का ही एक डिजाइन है, रेसिडेंशियल एरिया को एक कलर पे मार्क किया गया, फर्नीचर्स को व्हाइट रखा गया है, उसमें रूम्स का नेम है, लेकिन डायमेंशन जो है ये नीचे एक चार्ट पे प्रेजेंट हुआ है। अभी डायमेंशन मेजर करके ये चार्ट पे दिखाने का, ये जो चार्ट है ये भी ऑटोकैड में ही ड्रॉ करके टेक्स्ट लेयर में, हम जो सेपरेट करके फाइल सेव किए थे वो टेक्स्ट लेयर में रख के हम इधर लाए थे, लेकिन हम ये चार्ट अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि बाकी जो मैटर्स है वो समझना ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट आप लोग भी ऑटोकैड में मेजर करके बना के नीचे ऐसे टेबल के तरह रख सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो वो टेबल के तरह रखने के बाद हम जो टेक्स्ट और डायमेंशन का अलग सा फाइल सेव किए हैं उसी में आप ये चार्ट भी रख दीजिएगा, ठीक है। तो हम सेकेंड एक टाइप देखे थे, वो भी फिर से शेयर कर रहे हैं। ये एक टाइप है, ये टाइप में क्या है, फ्लैट मार्किंग है, फ्लैट का एरिया, बिल्ट अप एरिया दिया है, और हर एक फ्लैट का जो है कलर अलग अलग दिया है, हर एक फ्लैट का कलर अलग अलग दिया है, ये एक सेकेंड टाइप हुआ। थर्ड एक टाइप दिखाए थे, थर्ड ये रियलिस्टिक व्यू का है, मतलब प्रैक्टिकली फ्लोर को आफ्टर फर्नीचर लेआउट अगर आप कटिंग कर ले तो टॉप से कैसा दिखेगा, रियलिस्टिक व्यू है। यहाँ पे रूम नेम्स नहीं रहता है, डायमेंशंस नहीं रहता है, ओनली इंटीरियर फर्नीचर प्रेजेंटेशन रहता है। ये बेसिकली हम लोगों का जो जॉब है उसमें इंटीरियर डिजाइन वाला पार्ट में चला जाता है। जॉब का हमारा डिफरेंट डिफरेंट रोल है, कहीं पे स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, कहीं पे सैंक्शन ड्राइंग देखना पड़ता है, कहीं पे फ्लोर प्लान का 2D प्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, जहाँ पे रूम नेम, रूम डायमेंशन भी उसमें होता है। ये जो टाइप है, ये टाइप में मेनली फोकस किया है इंटीरियर अरेंजमेंट के ऊपर, मतलब इंटीरियर डिजाइन का एक पार्ट आप बोल सकते हैं ये प्रोजेक्ट का। तो ये एक टाइप है, और भी बहुत सारा टाइप जो है प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू डिजाइनर्स चॉइस एंड क्लाइंट चॉइस आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप जैसे हम लोग करते हैं, हम बोल रहे हैं हम जो ये तीन टाइप दिखाए, और भी एक टाइप है, वो टाइप का सैंपल अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या करते हैं, उसमें बेडरूम्स का कलर अलग देते हैं, टोटल फ्लोर प्लान में जितने भी फ्लैट्स हैं बेडरूम्स का कलर अलग देते हैं, और टॉयलेट्स का कलर अलग होता है, किचन्स का कलर अलग होता है, हर एक टाइप ऑफ रूम का कलर अलग होता है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो ये चार टाइप का प्रेजेंटेशन नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं और क्लाइंट को दिखा देते हैं कि देखिए ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम टाइप का प्रेजेंटेशन फ्लोर प्लान का फॉलो किए थे, तो आपको कौन सा वाला पसंद है हम आपका डिजाइन वो वाला टाइप का प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। अगर क्लाइंट हम लोगों के वो छोड़ देता है देन ओके, अगर क्लाइंट का पर्टिकुलर कुछ चॉइस है कि हमको ऐसा वाला प्रेजेंटेशन दीजिए तो वो टाइप को आप ड्रॉ कीजिए। ये भी हो सकता है, कोई कोई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, सब तरह के क्लाइंट डील करना पड़ता है, कि वो पर्टिकुलर कहीं से दूसरा कोई उनका बोले तो पार्टनर या फ्रेंड कहीं से उनको कुछ सैंपल मिला है दूसरा प्रोजेक्ट का के ऐसे बनाया है जो उनको पसंद आ गया, तो वो आपको लाके दिखाए, बोले कि हमको ऐसा वाला प्रेजेंटेशन में दीजिए, तो आपको वैसा करना पड़ेगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑप्शन, जो जिसमें आप काम कर चुके हैं वो क्लाइंट को दिखाइए, क्लाइंट अगर उनमें से पसंद कर लेते हैं तो गुड, वैसा वाला एक प्रेजेंटेशन बनाइए। तो हम अभी क्या करते हैं, ये दो फ्लैट में से एक फ्लैट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये
चूज करना पड़ेगा कि हम कैसा वाला प्रेजेंटेशन इधर रखेंगे। ये इतना जो टाइप बोला इसमें से हम क्या करते हैं, एक फ्लैट में फर्नीचर को व्हाइट रखे हम टोटल फ्लैट को एक सिंगल कलर से मार्किंग करते हैं। देखिए कैसे होता है, तभी क्या करना पड़ेगा, अगर फर्नीचर को कलर नहीं करना है तो अच्छा पहले हम क्या करते हैं, टोटल कलर को बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे हम, ये सब जो लेयर्स है सभी को एक कॉपी कर लेते हैं, लेयर पर राइट क्लिक करके उसमें कॉपी कर लिया डुप्लीकेट लेयर प्लान कॉपी, ये सभी जो तीनों लेयर क्रिएट किए हैं सभी का एक एक करके कॉपी कर लिए। बेटर है जो मदर फाइल्स है फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे वो फाइल्स को टच ना करते हुए आप काम करें, तो क्या होता है बाय चांस कुछ बिगड़ गया आपका काम करने से तो फिर से मदर फाइल से ड्रैग करके नहीं लाना पड़ेगा, वो कॉपी वाला लेयर डिलीट कर दीजिएगा और फिर काम कीजिएगा। तो हम नीचे जो तीन लेयर है वो तीन लेयर को टच नहीं कर रहे हैं, वो तीन लेयर हम ऑफ कर दे रहे हैं, ऊपर का जो तीन लेयर है ये तीन लेयर लेके हम काम करेंगे। पहले प्लान लेयर को हम करें सिलेक्ट करके रखते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी लेयर वन और मोर देन वन आप सिलेक्ट करके रखेंगे ड्राइंग में वही लेयर पे आपका एक्टिविटीज रहेगा, बाकी लेयर में एक्टिविटी नहीं रहेगा, शो करेगा लेकिन एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो हम प्लान लेयर को अभी करंट लेयर करके वंडर टूल मैजिक वंडर टूल ये वाला मैजिक वंडर टूल सिलेक्ट करते हैं जिसमें ऊपर में देखिए टॉलरेंस है 32 बाय डिफॉल्ट रहता है फोटोशॉप में, ये इधर 32 रखने से चल जाएगा। ये टॉलरेंस होता है एक्चुअली कितना प्रिसाइसली वो एरिया को सिलेक्ट करता है उसके ऊपर, बहुत मतलब शार्प सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये फ्लोर प्लान पे ये आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशन में ये जरूरी नहीं है, फोटोशॉप में फोटोशॉप इज अ बिग सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में भी डालने हैं, तो दूसरा कहीं पे कुछ एनिमेशन का 2D प्रेजेंटेशन बन रहा होता है तो उसमें ये टॉलरेंस लेवल जो है आगे पीछे करने की जरूरत होता है। आप लोगों में से जो भी रेज हैंड कर रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, लास्ट में डिस्कशन होगा। तो हम ये कौन सा टूल सिलेक्ट किए हैं, ये है मैजिक वंडर टूल, इसका शॉर्टकट है W, हम कीबोर्ड में W प्रेस करने से वो आता है। कुछ कुछ टूल्स जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है जो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे ऑटोकैड का होता है वैसे हर एक रिनाउंड और वास्ट सॉफ्टवेयर का कीबोर्ड शॉर्टकट होता ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जैसे कि ऑटोकैड कुछ भी सॉफ्टवेयर पकड़े अब थोड़ा बिगर सॉफ्टवेयर उन सभी का एक शॉर्टकट कमेंट्स का लिस्ट रहता है। तो यहाँ पे मूव जो है ऑटोकैड में जैसे एम एंटर पे मूव होता है, फोटोशॉप में एंटर का कोई जगह नहीं है, वी देने से मूव होगा, वैसे ही मैजिक वंडर टूल ये भी बहुत यूज होता है बाउंड्री सिलेक्शन के लिए, ये यूज होगा W से। सी पे यहाँ पे क्रॉप होता है, ऑटोकैड में सी में क्या होता है सर्कल होता है, ऑटोकैड में W में क्या होता है राइट ब्लॉक होता है। तो डिफरेंट आप जब धीरे धीरे काम करने लगेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए सेम कमांड है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ये सबको सब आपको धीरे धीरे मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मैं अभी W सिलेक्ट करके बेडरूम का एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक
ये देखिए एक सिलेक्शन डॉटेड लाइन इधर दिख रहा है, सिलेक्शन डॉटेड लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया सा नया लेयर बनाएंगे, फ्लोर प्लान जो है फ्लोर प्लान के नीचे रखेंगे वो लेयर। ये तीन लेयर जो है, ये तीन लेयर ऑफ कर दिए हम, इसको एक ग्रुप करके कंट्रोल जी पे ग्रुप करते हैं, ये ग्रुप करके हम इसको साइड में रख दिए, ये तीन लेयर को मेन लेयर पे। ये कॉपीज में काम हो रहा है अभी, एक कंट्रोल शिफ्ट एन पे होता है मेक न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन इन फोटोशॉप लेयर वन, इसका नाम दे रहे हैं बेडरूम्स, बेडरूम नाम दे रहे हैं, ओके कर रहे हैं। प्लान का नीचे ये लेयर क्रिएट हुआ, कोई लेयर का नीचे लेयर क्रिएट कैसे करेंगे, कोई लेयर का ऊपर में लेयर क्रिएट, एग्जैक्ट ऊपर में लेयर क्रिएट कैसे करेंगे, वो लेयर पे सिलेक्ट करने से अगर कंट्रोल शिफ्ट एन देते हैं तो वो लेयर जो न्यू लेयर बनेगा वो पर्टिकुलर जो भी लेयर को आप सिलेक्ट कर रखे हैं उसका ऊपर वाला लेयर होगा। तो इसलिए हम प्लान से नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट किए थे जो कि ग्रुप है, ग्रुप को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एन दिए थे, तो जो लेयर बना वो ग्रुप ग्रुप का ऊपर में लेयर को फिक्स कर दिया जो कि प्लान के नीचे है, जो हम रिक्वायर्ड है बोल रहे हैं। इसमें पहले कलर देंगे हम, बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये सिलेक्शन हुआ है, कलर देंगे, कलर देने के टाइम पे यहाँ पे देखिए कलर बॉक्सेस है, यहाँ पे एक येलो दिख रहा है बॉक्स, इधर एक ब्लैक। ये कलर बॉक्सेस को डिफॉल्ट सेटिंग में जाने के लिए प्रेस करना पड़ता है डी। डी से क्या होता है, टॉप ब्लैक बॉटम व्हाइट दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये डिफॉल्ट सेटिंग है ऑटोकैड का कलर, फोटोशॉप का कलर। तो इसको स्वैप करेंगे हम, व्हाइट लेयर को लेंगे एक्स, एक्स से क्या हुआ ब्लैक नीचे चला गया। आप इधर फॉलो कीजिए, ये जो बाउंडिंग बॉक्सेस है यहाँ पे एक्स करने से क्या हुआ, ब्लैक नीचे चला गया, व्हाइट ऊपर चला आया। जो ऊपर वाला कलर है वही कलर हम इधर दे सकते हैं, तो हम व्हाइट कलर सिलेक्ट किया है। फिर ऑल्ट बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस मतलब फिल कलर, फिल कलर का एक ऑप्शन आता है, हम इधर से भी कर सकते हैं। फिल कलर लेयर पे है नहीं, एडिट फिल, यहां से भी फिल कलर कर सकते हैं, उसका और एक शॉर्टकट है शिफ्ट F5। तो हम ऑल्ट बैकस्पेस देके फिल कलर किए हैं, व्हाइट ही रखे हैं। कुछ कुछ चीज अभी शायद समझ में नहीं आएगा, थोड़ा काम करने के बाद आप लोगों को टोटल मैटर जब दिख जाएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे हम व्हाइट कलर दिए हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी पे क्या होता है, डी सिलेक्शन हो जाता है, जो सिलेक्ट हम किए थे मैजिक टूल से ये बेडरूम का, वो डी सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये कलर जो है बेडरूम वाला लेयर पे दिए है, फिर से प्लान में प्लान लेयर को करंट लेयर करते हैं, W यहाँ पे क्लिक किए फ्लोर के अंदर, फिर से बेडरूम लेयर पे जाके ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल D, बेडरूम का सेकंड बेडरूम का भी कलर दे दिया, तो दो बेडरूम का व्हाइट कलर दिए हैं। अभी बेडरूम्स का कलर को हम चेंज करेंगे, व्हाइट नहीं रखेंगे, और चेंज करेंगे कैसे, डायरेक्टली यहां से भी ये ब्लैक एंड व्हाइट से भी कलर चेंज कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, इन फ्यूचर लगा के क्लाइंट कुछ अलग सा कलर पसंद कर रहा है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये कलर जो है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, प्रैक्टिकली फ्लोर में वैसा कलर का फ्लोर होगा ये वो टाइप का प्रेजेंटेशन नहीं है। वो टाइप का प्रेजेंटेशन है जो हम तीनों ऑप्शन में से लास्ट वाला ऑप्शन दिखाए थे, रियलिस्टिक फर्नीचर व्यू, उसमें फ्लोर में वो कलर देना चाहिए जो प्रैक्टिकली आप यूज करेंगे फ्लोर टाइल्स में या फ्लोर मटेरियल जो भी हो उसमें।
मार्बल हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, टाइल्स हो सकता है, विनाइल हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, वुडन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टोर मटेरियल जो भी होगा, आप उसको उधर रियलिस्टिक कलर को प्लेस करेंगे। इधर एक सिंबॉलिक कलर होगा, बेडरूम्स का कलर पर्टिकुलर कुछ कलर दे देना है। तो हम ये बेडरूम्स का लेयर को लेयर के राइट में, राइट साइड में कहीं पर भी डबल क्लिक कर लेते हैं। मैं उससे डबल क्लिक किया तो लेयर प्रॉपर्टीज जो है सामने आ गया। यहां में से भी कलर चेंज किया जा सकता है, हम यहीं से कलर चेंज करेंगे। कलर ओवरले, ये कलर ओवरले ऑप्शन को ऑन करेंगे और यहां पे एक पिक बॉक्स है कलर का, ये बॉक्स में से हम कलर चेंज करेंगे। हम क्यों इस बॉक्स में से ही चेंज किए, ये आप लोगों को ये फ्लोर प्लेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग बता पाएंगे, पूरा कलर कंप्लीट होने के बाद बता पाएंगे। हम क्यों डायरेक्टली ये ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर है वहां से भी कलर दे सकते थे, नहीं दिए, वहां पे व्हाइट ही रखे हैं, यहाँ से चेंज किए लेयर प्रॉपर्टीज से। हम एक येलो, येलो नहीं, हम ऑरेंज टाइप का कुछ कलर दे सकते हैं, कुछ भी अपना चॉइस का, डार्क कलर मत दीजिएगा, जो भी दीजिएगा लाइट कलर दीजिएगा। ओके करके ओके करते हैं। ये बेडरूम्स का एक कलर हो गया। ये जो कलर है, ये बेडरूम्स का कलर हम रखे हैं फ्लोर प्लान के लेयर जो है उसके नीचे। अभी हम फ्लोर प्लान के लेयर के ऊपर लेके चले जाते हैं, लेकिन उतना चेंजेस नहीं होगा, लेके जाएंगे नहीं, लेकिन हम दिखाने के लिए अभी लेके जा रहे हैं। ये ड्रैग कर दिया फ्लोर प्लान के ऊपर, चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन हम अगर फर्नीचर लेयर के ऊपर ये लेयर रखते, फर्नीचर गायब हो गया, क्योंकि फर्नीचर लेयर जो है इसके पीछे चला गया। ये फिल कलर है, ये कम्प्लीटली फिलअप करने का कलर है, और टेक्स्ट के ऊपर भी रख देगा तो टेक्स्ट भी पीछे चला जाएगा। तो ये जो लेयर है ये प्लान के नीचे रखना है, तब फर्नीचर और टेक्स्ट जो है विजिबल होगा। बेडरूम्स का कलर हुआ। अब दूसरे जगह का भी कलर जो है हम कर लेते हैं। लेयर लिस्ट में प्लान लेयर, करंट लेयर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कबर्ड, दो कबर्ड है, दो कबर्ड को सिलेक्ट कर लिया। एक न्यू लेयर बनाते हैं, सीवी नाम देते हैं। एक सीवी लेयर क्रिएट हो गया और वहां पे ऑल्ट बैकस्पेस फिल कलर कर देते जो व्हाइट कलर का है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन ऑफ हो गया। ये जो व्हाइट कलर का सिलेक्शन हुआ था मैजिक टूल से, वो सिलेक्शन कलर फिल होने के बाद हम खत्म कर दे कंट्रोल डी प्रेस करके। फिर इसके बाद हम एक काम करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस लेंगे। ये फिल कलर का जो ऑप्शन है, ये जो सेटिंग्स किए थे बेडरूम वाला लेयर पे, उसमें राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल, फिर कबर्ड में राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल, तो वो भी सेम कलर का हो गया। अभी उससे जो है कलर ओवर ले जो लिखा हुआ है वहां पे डबल क्लिक करके, ये कलर पे क्लिक करके उसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं। कबर्ड का कलर जो है चेंज हो गया। बेडरूम्स का कलर थोड़ा ब्राइट और भी मेरे ख्याल से दे सकते हैं, चॉइस के ऊपर है। ब्राइट थोड़ा, हाँ ऐसे कुछ कलर दे सकते हैं, अपना अपना चॉइस के ऊपर है और क्लाइंट का चॉइस के ऊपर है। और अभी बालकनी प्लान लेयर को करंट लेयर करते हैं,
W, क्लिक, बालकनी पे क्लिक कर लिए, फिर न्यू लेयर BANC लिखते हैं बालकनी शॉर्ट फॉर्म में। ऑल्ट बैकस्पेस व्हाइट हो गया क्योंकि ऑल्ट बैकस्पेस की वजह से वही कलर आएगा जो इधर होगा, ये कलर बॉक्स में होगा। तो यहाँ पे हम सभी को व्हाइट ही रख रहे हैं, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी से कलर को चेंज कर रहे हैं। अभी भी सिलेक्शन है, डॉटेड लाइन देखिए दिख रहा है, सिलेक्शन को ऑफ करना भूलना नहीं है, जो कि W देके सिलेक्ट क्लिक किया था सिलेक्ट हो गया था। ये W जो है मैजिक टूल जो है वो ऑटोकैड का जो बाउंड्री टूल है, BO एंटर करके जो सिलेक्ट करने से सिलेक्ट हो जाता है चारों साइड, उससे सिमिलर है ये मैजिक टूल। तो हम कंट्रोल D से डी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन चला गया। फिर से वही मैं प्रॉपर्टीज को फिर से दिखाता हूँ। लेयर का राइट पे जो स्पेस है कहीं पर भी एक लेफ्ट डबल क्लिक कीजिए, करने से उसका पर्टिकुलर वो लेयर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा, जिसमें से कलर ओवरले ये प्रॉपर्टी में जाना है और वहां से कलर को आप चूज कीजिए। यहाँ पे हम देते हैं एक ऐसा कलर देते हैं, ओके, बालकनी का एक अलग कलर हो गया। अभी वाटर क्लोसेट और टॉयलेट, ये दोनों दो ही है टॉयलेट रिलेटेड, तो ये दो का कलर हम सेम देंगे। फिर से प्लान का जो लेयर है वहां पे वो करंट लेयर करते हैं, W मतलब मैजिक टूल, यहाँ पे क्लिक, उसके साथ यहाँ पर भी क्लिक, ये दो सिलेक्शन हो गया। हमें डॉटेड लाइन में सिलेक्शन दिख रहा है जो कि फ्लोटिंग डॉटेड लाइन में दिखा रहा है। फिर हम एक नया लेयर क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोल N टॉयलेट बोल के, कंट्रोल शिफ्ट N TOILET, ओके, टॉयलेट लेयर, ऑल्ट बैकस्पेस, कलर फिल हो गया, कंट्रोल डी सिलेक्ट हो गया। इसमें भी पेस्ट लेयर स्टाइल कर देते हैं, पहले का जो लेयर है स्टाइल कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर उसमें से जो लेयर स्टाइल का डिटेल नीचे दिख रहा है मेन लेयर, उसके नीचे इफेक्ट्स, उसके नीचे कलर ओवरले, ये कलर ओवरले पे डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, वहां से कलर सिलेक्ट करते हैं। टॉयलेट्स का कलर ब्लूइश कुछ देने से बेटर रहता है, हम ये एक ब्लूइश कलर दे दिए टॉयलेट्स का, ओके, क्योंकि ब्लू जो है वाटर का कलर है और टॉयलेट में वाटर रिलेटेड इश्यूज मेन है। अभी फिर से प्लान, W मैजिक टूल, प्लान पे क्लिक, किचन में इस बार किचन सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट N न्यू लेयर किचन KITCHEN, ओके, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल D, राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल जो पहले लेयर्स में फॉलो किया है, कलर ओवरले पे डबल क्लिक, यहां से कलर को चेंज, दूसरा कुछ कलर देंगे। ऐसा कलर देंगे। और एक ही बाकी रह गया लिविंग डाइनिंग एरिया, उसके बाद इधर नीचे है कॉमन एरियाज वगैरह है, तो लिविंग डाइनिंग एरिया के लिए फिर से प्लान पे जाके W क्लिक, फिर से न्यू लेयर लिविंग
लाइन है, एंटर, ऑल्ट बैकस्पेस, ओहो हो हो, इधर ये जो एंट्री डोर है ना, इधर का भी पूरा पकड़ लिया, क्योंकि ये डोर के नीचे हम लाइन नहीं दिए थे, एक लाइन देना चाहिए था ऑटोकैड में, तो ऐसे नहीं होगा, हमको फिर से कुछ करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, प्लान में जाना पड़ेगा, जाके इधर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा प्लान का लेयर में। लाइन लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, लाइन इधर ये पेन टूल, नहीं पेन टूल नहीं, और भी टूल है, ये रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल, यहाँ से ये है टूल बॉक्स, ड्रॉ टूल बॉक्स, इसमें लाइन टूल लिए, लाइन वेट, लाइन टाइप कंटिन्यूअस लाइन जैसे ऑटोकैड में होता है, लाइन वेट 1px, इधर जो है यूनिट जो है ना px से यूनिट होता है, हम 3px ले रहे हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे सिलेक्शन के तरह होगा, हम प्लान में जाके ये एक लाइन आ गया प्लान में, अभी सिलेक्शन होगा, ओ इधर भी एक ड्रॉ कर लेते हैं सेम प्लान, मर्ज हो गया, कंट्रोल ई देने से कुछ लेयर्स को सिलेक्ट करके वो दो लेयर जो है मर्ज हो जाता है, मैं शेप वन और प्लान दोनों को मर्ज कर दिया, नाम इससे चेंज हो गया, हम फिर से नाम दे देते हैं, प्लान कॉपी नाम था, ये नाम फिर से दे देते हैं, ऑफ करने से देखिए आ जा रहा है, ये नीचे का फ्लैट का जब डिजाइन होगा तब हम करेंगे, तो अभी लिविंग डाइनिंग एरिया को सिलेक्ट करते हैं, डब्ल्यू क्लिक, अभी देखिए ये लाइन ड्रॉ किया इसलिए सिर्फ यही सिलेक्शन लिया, अभी ये कॉमन एरियाज का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लाइन नहीं था इसलिए पूरा एरिया को बाउंड्री की तरह पकड़ रहा था, तो फिर लिविंग डाइनिंग लेयर में जाके ऑल्ट बैकस्पेस, अरे ये ब्लैक हुआ है इधर, एक्स करके इसे ऑल्ट बैकस्पेस वाइट हो गया, कंट्रोल डी, ये कलर आ गया, अभी इसमें भी पेस्ट लेयर स्टाइल कीजिए, पहले का लेयर्स का जो स्टाइल है डबल क्लिक करके इसका भी कलर को जो है यूनिक कीजिए, यूनिक कुछ भी कलर दीजिए आपके पसंद का, क्लाइंट के पसंद का, ये हो गया एक टाइप का फ्लोर प्लान का कलरिंग, अलग अलग टाइप के रूम को सेम टाइप के रूम को सेम कलर दिया है, अलग अलग टाइप का अलग अलग कलर है, अभी हम एक बैकग्राउंड भी देते हैं, जो कि बैकग्राउंड व्हाइट रखे थे, रहने दीजिए एक व्हाइट बैकग्राउंड, हम एक दूसरा बैकग्राउंड बनाते हैं, कंट्रोल एन, नाम देते हैं बैकग्राउंड वन, लेयर का नाम देते हैं, ये बैकग्राउंड वन बोल के लेयर क्रिएट किए, ऑल्ट बैकस्पेस देने से इसमें भी व्हाइट कलर आ जा रहा है, ये डिफॉल्ट कलर इधर लेफ्ट में व्हाइट है, इसलिए इसको भी डबल क्लिक करके लेयर का प्रॉपर्टीज से कलर ओवरले, यहाँ पे कुछ कलर हम प्रपोज कर सकते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क रहेगा तो मेन फ्लोर प्लान जो है ज्यादा फोकस्ड होगा, इसलिए इसको थोड़ा डार्क हम रख सकते हैं,
डल टाइप का होगा, डल नॉट ब्राइट बैकग्राउंड। अभी फ्लोर प्लान जो है फोकस में आएगा, हम ये कलर अभी चूज कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर चेंज करना पड़े, अभी ये कलर ठीक लग रहा है। अभी हम कॉमन एरिया जो है लिफ्ट स्टेयरकेस ये सबको सेम एक कलर देंगे, फिर से प्लान में जाएंगे, प्लान को करंट लेयर रख के सिलेक्शन करेंगे। अभी ये सिलेक्शन में स्टेप्स को अलग अलग करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर स्टेयरकेस में हम जो है जल्दी में अप डाउन लिखना और ब्रेक लाइन देना भूल गए, तो अभी ये गलती होने से हमको एक्चुअली फ्लोर प्लान को फिर से रिवाइज करके इधर डालना पड़ता, हम अभी वो नहीं कर रहे हैं, जो है उसके ऊपर रेंडरिंग कर दे रहे हैं। ये कॉमन एरियाज को एक कलर दे रहा है। नाम दे रहा है लेयर का, कंट्रोल शिफ्ट एन देके लेयर क्रिएट कर रहे हैं, लॉबी लॉबी नाम दे रहे हैं। लॉबी प्लान के ऊपर चला गया, इसको भी प्लान के नीचे रखना है। और बैकस्पेस देखिए, इसको भी एक कलर हो गया, यूनिक कुछ कलर देना है, यूनिक कलर क्या देना है, पेस्ट लेयर स्टाइल पेस्ट कर दिया, लॉबी लेयर को एकदम नीचे लेके चल रहा है। और कलर जो है कलर को एक ग्रीनिश कुछ कलर दे रहे हैं। लिफ्ट वेल जो है वो हम ऐसे ही छोड़ दिया है, जो पेपर का कलर है वो कलर में आएगा। विंडोज जो है वो भी ऐसे ही छोड़ दिए, पेपर का जो कलर है वो आएगा। अभी इसमें आप और भी ये डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए फ्लोर प्लान का वॉल्स जो है, अभी प्लान लेयर को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कलर ओवरले पूरा ग्रीन हो गया। तो आप हम इनको ये ऐसा एक डार्क ब्राउन वाला कलर दे सकते हैं, डार्क ब्राउन जो है ब्लैक से अच्छा दिखता है, ऐसे किए हैं। ये डार्क ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर का जो लेयर्स है उसको हम एक लाइट ब्राउन का कलर दे सकते हैं। कलर को लाइट ब्राउन, ऐसा कलर दे सकते हैं। देखिए कलर जो है चेंज हो रहा है ब्लैक से, हम सभी लेयर जो है ब्लैक में इंपोर्ट किए थे, अभी इधर कलर आ रहा है। फर्नीचर लेआउट मुझे जो लग रहा है ना थोड़ा डार्क करने से अच्छा है, तो वो भी लेयर प्रॉपर्टीज में उसका भी प्रोविजन है, इफेक्ट्स फर्नीचर लेआउट इसमें, इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें इसमें आई थिंक स्ट्रोक कलर ओवरले हुआ, स्ट्रोक किधर गया, ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक में ये साइज जो है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, आपको थोड़ा फोटोशॉप स्टडी करना पड़ेगा, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला ही बोल रहे हैं। ये स्ट्रोक में से देखिए ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, अभी
यहां से कलर को सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक का कलर यहां से सिलेक्ट करते हैं। देखिए फर्नीचर थोड़ा डार्क हो गया, तो आपको अगर लगे कि डार्कनेस जो है ऑटोकैड से जो आया है फाइल वहां पे डार्कनेस थोड़ा कम है, आपको थोड़ा डार्क करना है, तो ये स्ट्रोक जो ऑप्शन है ऑटोकैड में लेयर प्रॉपर्टीज का, वहां से आप ऑब्जेक्ट्स को डार्क कर सकते हैं। रूम का जो नेम है ये सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ब्लैक में ही प्रेजेंट करना अच्छा है। तो हम देखिए ये जो तीन फाइल्स इंपोर्ट किए हैं सभी फाइल्स को अलग अलग कलर दे दिए, फाइल्स का जो लाइंस है या ऑब्जेक्ट्स है उसको अलग अलग कलर दे दिए, और वो कलर यहाँ से चूज नहीं किए, सब लेयर का प्रॉपर्टी से चूज किए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये कलर्स चेंज करने की कुछ माइंड में आए तो वो चेंज करना इजी होता है लेयर प्रॉपर्टीज का कलर से। वो चेंज डायरेक्टली आप अगर कलर फेंक देंगे लेयर में उसमें बाद में चेंज में प्रॉब्लम आता है। तो ये साइड जो है ऐसी टाइप का प्रेजेंटेशन आज हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट ऑपोजिट वाला फ्लैट में हम थोड़ा दूसरा टाइप का प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट डे। तो आज का जो है हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि घर में अगर फोटोशॉप है तो इसको स्टडी करना। तो हम डिस्कशन सेशन में अभी जाएंगे फाइल को सेव करते हुए। पूछिए आपको क्या क्वेरी होगा, आज तो क्वेरी होना चाहिए क्योंकि ये लेयर्स वगैरह जो है हम दिखा है, हो सकता है कि डाउट्स हो, होना चाहिए डाउट्स। ये वन शॉट समझ में नहीं आता है फोटोशॉप का लेयर्स, तो आपको कुछ क्वेरी होगा तो रेज हैंड ऑप्शन में क्लिक कीजिए जो जूम ऐप में अवेलेबल है, हम उनको अनम्यूट करके पूछेंगे। रेज हैंड ऑप्शन अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है नहीं, तो एनी डाउट एनी क्वेरी। और लास्ट डे जो हैच का क्वेरी था वो किन का था वो भी तो कुछ बात नहीं बोले। अच्छा गैलेक्सी एम थर्टी सर। हाँ हेलो सर, बोलिए सर। ये हम बैकग्राउंड पे इमेज कैसा, इमेज डाल सकते हैं क्या सीनरी बिनरी का प्लान के पीछे आपने जो कलर दिया है उसके अलावा? या लेकिन प्लान जो है, प्लान का मतलब है वो ऐसे ड्राइंग प्रेजेंट हो रहा है, सीनरी वगैरह कहाँ आएगा, जहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स होगा उसके पीछे सीनरी रह सकता है। प्लान नॉर्मली क्या होता है, वो प्रिंट आउट फॉर्म में होता है, वो कोई टेबल के ऊपर या पेपर के ऊपर पकड़ सकते हैं। तो इधर बैकग्राउंड पे आप सीनरी ना डाल के आप ऐसे कर सकते हैं कि वुडन टेक्सचर दे सकते हैं कि टेबल पेपर का टेबल में ये पड़ा हुआ है, वुडन टेबल में पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जो रिलीवेंट हो। आप एज ए इमेज कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इंसर्ट करना है जो कि रिलीवेंट हो, इरिलीवेंट नहीं। आप वुडन टेक्सचर दे सकते हैं या फिर ओल्ड पेपर का टेक्सचर दे सकते हैं कि पुराना, ऐसा होता है ना कि पुराने बहुत दलीले दस्तावेज से कुछ ड्राइंग निकल आए उसका जो लुक्स है वो भी एक अलग टाइप का लुक्स है, मतलब आर्टिफिशियली इसको एंटीक जैसा लुक्स क्रिएट करना, वो टेक्सचर दे सकते हैं जो कि फ्लोर प्लान्स से रिलेवेंट होगा। ठीक है, और भी क्वेरी है महेश? यस सर। यस सर, मेरा ही प्रॉब्लम था सर हैच का कल। हैच? जी सर, वो कलर ये हो गया सर, वो प्रॉब्लम ये था ना कि मैं अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वाल ड्रॉ किया हूँ प्लान में तो मैं उसको लेयर में नहीं लेके बस ऐसे ही किया था, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। जी सर। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर। अच्छा और किसी को कुछ क्वेरी है? एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? आई थिंक नॉट। ठीक है तो फिर हाँ फिर से महेश जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, बोलिए। सर अभी ये लाइव क्लास के अलावा अदर और कोई ऑप्शन है सर आपसे मिली ये क्लास करने के लिए? नहीं अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर कैसा प्रोविजन होगा हमारे मिनिस्ट्री के तरफ से वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। मंडे टू संडे तो अब तक ले चुके हैं, ये वीक, ये सैटरडे संडे कवर करने के बाद नेक्स्ट वीक जो है हम मंडे टू फ्राइडे क्लास जारी रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास उतना टाइम भी अवेलेबल नहीं है किसी अलग क्वेरी जो है उसमें इन्वॉल्व होने में। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग जब फिर से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर से ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद हो सकता है ऐसा कोई प्रोविजन बने कि फिर से फर्दर क्लासेस जो है इंस्टीट्यूट से किया जाए, फॉलो अप किया जाए और उसमें इंडिविजुअल इंक्वायरी को भी अलग अलग टाइम पे स्लॉट पे अरेंज किया जाए, हो सकता है। अभी तक तो नहीं है, तो अभी ये क्लासेस ही आपको अटेंड करना पड़ेगा और ये क्लासेस का वीडियोज आपको YouTube में कुछ दिन बाद बाद जो है अपलोड हो रहा है, तो ओल्ड वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेरी क्या सर वो लिंक सर जिससे क्या वो कैसे सर्च करेंगे तो वीडियो कैसे मिलेगा सर? लिंक हमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लीजिए हम लिंक देते हैं। ओके सर। रौनक जी, रौनक बाबू, हाँ हाँ बोलुन बोलुन जी, নিমির যে চ্যানেলটা আছে ওটার লিংকটা একটু এনাদের প্রোভাইড করবেন? আমি এই মুহূর্তে ইউটিউব খুলতে পারছি না কোনো কারণে। আমি আপনাকে প্রোভাইড করে দেব, আপনি আপনার স্টুডেন্টদের দিয়ে দেবেন নিমির চ্যানেলের লিংক। ওকে 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 ওকে। হ্যাঁ তো আপ লোগোঁ কো থোড়া ওয়েট করনা পড়েগা, হাম নেক্সট ডে জো হ্যায় লিংক প্রোভাইড কর দেঙ্গে। আবি ইউটিউব ওপেন নাই হো রাহা হ্যায়, ও লিংক তো ইয়াদ নাই রাহতা হ্যায়, ও কপি পেস্ট করনা পড়েগা। तो हम नेक्स्ट डे आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। एंड एनी अदर क्वेरी? ओके नो क्वेरी फॉर टुडे। हम फिर से कल मिलेंगे ये ड्राइंग्स को जो है और थोड़ा आगे लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।